एक्शनर्स, मैं आपकी लवली गर्ल आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक्शन, थ्रिल और सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस से भरपूर एक कोरियन वेब सीरीज को जिसका नाम है कनेक्ट। दोस्तों इसने कुल मिलाकर 6 एपिसोड्स हैं जिन्हें मैं 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन करूंगी। आई होप कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आएगी, तो प्लीज आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हम चलते हैं इस सीरीज के फर्स्ट सीन की तरफ। जहाँ मेन कैरेक्टर हा डोंग-सू अपना फेवरेट गाना गुनगुनाते हुए शहर की पतली पतली गलियों से बस स्टॉप की तरफ जा रहा था, तभी अचानक कुछ खतरनाक गुंडे उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। दोस्तों डोंग-सू उनसे लड़ने की कोशिश करता है मगर वो उसे बेहोश कर देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में डोंग-सू बिना कपड़ों के एक ऑपरेशन थिएटर जैसे रूम में लेटा हुआ होता है। इसके पास खड़े एक डॉक्टर के हाथ में सर्जरी की दरअसल ये डॉक्टर मासूम लोगों के शरीर में से ऑर्गन्स निकाल कर उन्हें बेच देता था। वो डॉक्टर डोंग-सू की बॉडी से भी ऑर्गन्स निकाल लेता है। इसके बाद वो उसकी दोनों आंखें निकाल कर साइड में एक प्लेट पे रख देता है। मगर तभी इस डॉक्टर को उसके डीलर का फोन आता है और वो उससे बात करने लगता है। दोस्तों हैरानी की बात तो ये थी कि डोंग-सू की आंखें अभी भी पूरी तरह काम कर रही थी। उसकी बॉडी में से बहुत खतरनाक बड़े बड़े ब्लड टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं और देखते ही देखते उसके कटे हुए शरीर के सभी घाव ठीक होने लगते हैं और डोंग-सू बिना आंखों के ही अपने बेड से उठ जाता है। फोन पे बिजी डॉक्टर ये सब देखकर शॉक हो जाता है और जी कर उन गुंडों को बुलाता है। इधर ये बात तो साफ थी कि डोंग-सू कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। वो अपनी एक आग को हाथ में उठाता है और इस आग से भी उसी तरह के टेंटिकल्स निकल रहे थे जैसे वेनम मूवी में होता है। उसकी एक आँख खुद ही वापस जुड़ जाती है। इससे पहले कि वो अपनी दूसरी आँख जोड़े वहाँ वो सारे गुंडे आ जाते हैं और डोंग-सू खुद को बचाने के लिए उसी हालत में खिड़की तोड़कर बाहर कूद जाता है। कुछ महीनों के बाद दिखाया जाता है कि रोड के बीचों बीच बहुत भीड़ लगी हुई थी। दोस्तों इस भीड़ की वजह ये मूर्ति थी जो कि बहुत ही सुंदर और रियल दिख रही थी। सब इस मूर्ति की फोटोज और वीडियोस बना रहे थे। इनमें से एक लड़की इसके सबसे पास जाकर उसकी फोटो क्लिक कर रही होती है, मगर अचानक मूर्ति की उंगली से खून की बूंद टपकती है और उस मूर्ति की आंखों से भी खून निकलने लगता है। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और पुलिस वहाँ पहुंचकर कंफर्म करती है कि ये कोई मूर्ति नहीं बल्कि एक असली इंसान की डेड बॉडी थी जिसे मारकर ऐसा बना दिया था। पुलिस इस बॉडी की फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करवाती है और उन्हें इस पे 2 लेटर्स पी और आई को मिलाकर बनाया हुआ एक निशान दिखता है जो कि इसमें स्क्रैच किया हुआ था। अगले सीन में डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसके पास अब सिर्फ एक ही आंख थी और दूसरी को उसने एक कवर की मदद से ढका हुआ था। डोंग-सू गिटार बजाते हुए अपना खुद का गाना गा रहा था पर अचानक उसकी आंख में दर्द होने लगता है और उसे कोई चलता हुआ नजर आता है। उसे विजन के अंदर वही मार्क्स दिखते हैं जो कि उस मूर्ति पे भी थे और कुछ स्टेशनरी और नुकीले औजार का सामान भी दिख रहा था। इसका मतलब ये था कि अब डोंग-सू की दूसरी आंख किसी और के शरीर में थी। अगले दिन डोंग-सू अपने काम पे वापस जाता है। दोस्तों डोंग-सू एक जंकयार्ड में काम करता है। जब उसे इस जंकयार्ड के ओनर की आवाज सुनाई देती है तो वो देखता है कि कुछ बुरे लोग उन्हें बुली कर रहे थे। वो उन्हें उठाकर वहाँ से ले जा रहा होता है मगर पीछे से एक आदमी उस पे हमला कर देता है। ये लोग मिलकर उसे मारने लगते हैं। इसके बाद जब डोंग-सू वापस खड़ा हो रहा होता है तो उनमें से एक आदमी उस पे चाकू से हमला करता है और खुद को डिफेंड करते वक्त डोंग-सू का कान कटकर अलग हो जाता है। डोंग-सू की आंख में आंसू की एक भी बूंद नहीं थी और उसकी एक आंख भी नहीं थी। वो अपना कटा हुआ कान उठाकर उनकी तरफ देखता है और इन चारों गुंडों को दिन में तारे नजर आ जाते हैं और वो डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद डोंग-सू के कान से टेंटिकल्स बाहर आते हैं और उसका कान वापस उसके शरीर से जुड़ जाता है। अगले सीन में उसी ऑर्गन्स को बेचने वाली गैंग को दिखाया जाता है जो डोंग-सू को पिछले काफी वक्त से ढूंढ रहे थे क्योंकि उसकी इस यूनिक
पावर के चलते उसकी बॉडी और उसके ऑर्गन्स की कीमत करोड़ों में लगने वाली थी। इस गैंग के लीडर सपने चुन्नू मुन्नू को कैसे भी करके डोंगसू को पकड़ कर उनके पास लाने का ऑर्डर देते हैं। इसके बाद डोंगसू शाम को घर जाकर अपने उसी गाने को यूट्यूब पे सर्च करता है जिसे उसने कुछ टाइम पहले अपलोड किया था। वो गिटार प्ले करके उसे गाने की कोशिश करता है। इसके बाद पहली बार हम उस दूसरे लड़के को देखते हैं जिसमें डोंगसू की दूसरी आंख लगी हुई थी। ये लड़का भी सेम वही गाना सुन रहा था। अचानक डोंगसू की आंख में फिर से दर्द होने लगता है, इसलिए इस बार वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसी जगह जाता है जहाँ उस डॉक्टर ने उसकी सर्जरी करी थी। डोंगसू के वहाँ पहुँचते ही उन गुंडों में से एक की नजर उसके ऊपर पड़ती है और सारे गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं। डोंगसू वहाँ से बचकर भाग रहा होता है और यहाँ सीरीज में मून नाम की एक लड़की आकर उसे बचाती है। डोंगसू ने उसे पहली बार देखा था मगर मून को उसका नाम पहले से ही पता था। मून अपनी जींस में से चाकू निकालकर उसके पैर पे कट मारती है जिसके बाद डोंगसू के पैर से खून निकलता है, मगर देखते ही देखते उसकी स्पेशल एबिलिटी की वजह से वो जो 1 मिनट के अंदर ही ठीक हो जाती है। इससे पहले कि वो कुछ बात करते वो गुंडे उनकी तरफ आ रहे थे, इसलिए मून उसे ऊंचे पोल से नीचे धक्का मार देती है। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? क्या वो डोंगसू को मारना चाहती थी? क्या डोंगसू इतनी ऊंचाई से गिर के भी बच सकता है? दोस्तों, अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो इन सभी का जवाब पता करने के लिए अगला पार्ट जरूर देखना। और अगर अभी तक आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगले सीन में डोंगसू को अपनी दूसरी आंख से विजन आता है जिसमे उसे एक बुक के पेजेस पलटते हुए नजर आते हैं। ये बुक कोई नॉर्मल बुक नहीं बल्कि वो बुक थी जिसमें कई सारे लोगों को मारकर उन्हें डमी बनाने के बारे में लिखा हुआ था और साथ ही उनका स्केच भी बना हुआ था। इसके बाद उस लड़के को दिखाया जाता है जिसमें डोंगसू की आंख थी, यानी उन सभी डमी डेड बॉडीज के पीछे इसी का हाथ था। इसके बाद मिंजी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो बस में बैठी डोंगसू का वही गाना सुन रही थी जो अब काफी लोगों को पसंद आ रहा था। जब वो अपने ऑफिस पहुँचती है तो वहाँ बहुत सारा क्राउड जमा हो रखा था। थोड़ा पास जाने के बाद उसे ठीक वैसा ही डमी दिखता है, मगर इस बार ये एक लड़के का था। इस डमी की आंखों पे पट्टी लगी थी और जगह जगह से खून बह रहा था। ये सब देखकर वहाँ सभी लोग उसकी फोटोज क्लिक कर रहे थे, इस पे भी वही निशान घरा हुआ था। इसके बाद मिंजी अपने दोस्त जिन से भी इस बारे में बात करती है। ये लड़का बड़ा एरोगेंट सा था मगर मिंजी को उस पे क्रश था। ये दोनों एक दूसरे से बात करते हुए चल रहे होते हैं और मिंजी से डोंगसू का वही गाना सुनाती है जिसे सुन के जिनकी आंख में दर्द होने लगता है। दूसरी तरफ डोंगसू को भी काम करते वक्त अचानक बहुत दर्द होता है, यानी कि जिम के शरीर में डोंगसू की दूसरी आंख लगी हुई थी और यही वो लड़का था जिसे डोंगसू ढूंढ रहा था। उसे वो सब भी धुंधला धुंधला सा दिख रहा था जो जिम के सामने था। उसे मिंजी सामने खड़ी दिखती है और हाँ दोस्तों, अब ये भी साफ था कि जिम नहीं इन सब लोगों को इतनी बेरहमी से मारा था। इसके अलावा जब भी वो गाना बजता है तो डोंगसू की दोनों आंखें एक साथ उसके बॉडी से पूरी तरह कनेक्ट होने की कोशिश करती है और इसलिए इन दोनों को दर्द होने लगता है। रात को जब डोंगसू चाय बना रहा होता है तो तभी उसे एक नया विजन दिखाई देता है जिसमें उसे जिन की वही बुक दिखती है जिसमें उसने और भी स्केचेस बनाए हुए थे। डोंगसू उस पर लिखे वर्ड कॉर्प्स आर्ट पे गौर करता है। कुछ देर बाद इंटरनेट पे इसकी जानकारी निकालता है जिसे देखकर उसे इस बात का पता चलता है कि उसकी आंख इस साइको मर्डरर के अंदर लगी हुई थी और उसके पसीने छूट जाते हैं। अगले दिन डोंगसू इस आदमी का पता लगाने के लिए उसी लोकेशन पे जाता है जिसे उसने अपने विजन में देखा था। वो वहाँ खड़ा हो रखा था और तभी उसे कल के विजन वाली लड़की मिंजी दिखती है। डोंगसू सीधा उसका रास्ता रोककर उससे उस लड़के के बारे में पूछता है जिसके साथ उसने कल उसे विजन में देखा था, मगर मिंजी उसे जानती तक नहीं थी, इसलिए वो उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। डोंगसू उसे रुकने के लिए आवाज देता है पर उसे उस आदमी के बारे में कुछ पता नहीं चलता।
डोंगसू एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर उसे इन दोनों मर्डरर्स के बारे में बताता है और उससे उन सिंबल्स के बारे में पूछता है जिन्हें पुलिस ने डेड बॉडीज पे नोटिस किया था, और ये एस्ट्रोलॉजर इसे इन डेट्स के हिसाब से बताती है कि ठीक इसी तरह अगले कुछ दिनों के अंदर किसी और का भी मर्डर होगा। मगर डोंगसू को ये नहीं पता था कि आखिर वो आदमी दिखता कैसा है। वो मिंजी के पास जाकर कोशिश तो करता है मगर उसे कुछ भी हाथ नहीं लगता। वही दूसरी तरफ रात को मिंजी अपने क्रश साइको जिन से मिलने जाती है। वहाँ ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। उसके कुछ देर बाद जब जिन नहाने जाता है तो उसके कमरे में मिंजी को वही स्केच बुक मिलती है जिसमें उसने सभी डमीज को ड्रॉ किया हुआ था। उस बुक में बने स्केचेस को देखकर उसकी पसीने छूट जाते हैं। आगे इस लड़की के साथ क्या होगा? क्या जिन के साथ बिताई ये रात उसकी आखिरी रात बन जाएगी? अगले दिन कुछ दूर एक सुनसान इलाके में एक और लड़की का डमी दिखता है। क्या मिंजी को भी जिन ने मार डाला? दोस्तों आई प्रोमिस कि आपको इन सभी सवालों के जवाब मेरी एक्सप्लेनेशन के अगले पार्ट में जरूर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट्स करके पूछना।